हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस बहुत ही खास वीडियो में। मेरे साथ हैं फरहान और आज हम लोग सीटेट की मैथ्स के नंबर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 2016 से लेके अगर आप 2022 तक हुए जो भी पेपर हुए हैं सीटेट पेपर वन के मैथ्स में, उसमें एक टॉपिक है, एक पॉइंट है जिससे हर साल के फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वो कौन सा क्वेश्चन है, कैसे प्रैक्टिस करना है, हम यहाँ पे सीखेंगे और मेरे साथ फरहान ही सीखेंगे, क्योंकि अगर फरहान समझ सकते हैं तो आप सभी समझ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे सीखेंगे उस प्रश्न को, उस क्वेश्चन को। मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आइए मैं आपको पहले उस क्वेश्चन को बता दूँ कि मैं किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेसिक से, इसका मेथड क्या है, इसका पॉइंट क्या है। और ये केवल एक साल का नहीं है, हर साल इससे सवाल पूछे जाते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है, आइए पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपसे सवाल क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। What is the difference between the place value of 7 in this and the place value of 4 in this? ये नंबर दिया गया है और इसमें कह रहे हैं कि 7th के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान में अंतर बताइए इन दोनों में। तो क्या है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी कि प्रॉब्लम यही है बच्चों, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, सवाल आपसे अक्सर यही पूछे जाते हैं। एक प्लेस वैल्यू, ठीक है फ्रेंड, एक प्लेस वैल्यू देखना है और एक फेस वैल्यू हमें देखना है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है, तब हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखिए हम पहले आ जाते हैं प्लेस वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे एक नंबर दिखा रहा हूँ, ये नंबर देख रहे हैं आप, क्या है, 1329, ठीक है। 9 की प्लेस वैल्यू, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं प्लेस वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू, 3 की वैल्यू प्लेस वैल्यू, और 1 की वैल्यू 1000 प्रति यूनिट, ठीक है। तो ये है हमारी प्लेस वैल्यू। पहले प्लेस वैल्यू क्या होता है पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 है, मैं एक एग्जांपल, यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 कौन से स्थान पे, यूनिट के स्थान पे, मतलब हिंदी में इसको इकाई का स्थान कहते हैं, और 2 कौन से स्थान पे, टेंस में, हिंदी में इसको इकाई दहाई, याद है बोलना, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, इंग्लिश में वंस टेंस, वंस टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, बस बस ठीक है। तो ये क्या हमारा, हम हिंदी मीडियम वाले हैं ना, तो ये हमारा कौन सा स्थान पे, यूनिट, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड। तो प्लेस वैल्यू में हम ये देखते हैं कि जो नंबर है वो कौन से प्लेस पे है। अब मैं आपसे अगर यहाँ पे पूछूँ कि 3 यहाँ पे कौन से प्लेस पे है, 300 के प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। ठीक वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 यहाँ पे कौन से प्लेस पे है, तो 1000 के प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। अच्छा बहुत ही आसान तरीका पता है प्लेस वैल्यू निकालने का, क्या है कि जिस डिजिट की आप प्लेस वैल्यू निकालते हैं उस डिजिट को लिख लीजिए, अगर 1 की बात करें तो 1, उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 आप लगा लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब आइए फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहता है, जैसे कि जैसे मान लीजिए 1 का फेस वैल्यू, चाहे 1 कहीं रहे, फेस वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 1 का फेस वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा। अगर हम 3 के फेस वैल्यू की बात करें तो कितना होगा, 3। 2 की फेस वैल्यू की बात करें तो 2। 9 की फेस वैल्यू की बात करें तो 9। यानी कि फेस वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम ही रहेगा। और प्लेस वैल्यू क्या होगा, वो जो जिस पे वो है, क्या कहते हैं, जिस प्लेस पे है, जिस प्लेस पे है वो बदलता रहता है। अच्छा हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू को, प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थानीय मान। अरे हिंदी हैंड राइटिंग, मतलब जो भी हो, स्थानीय मान कहते हैं इसको, ठीक है। और फेस वैल्यू को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू को क्या कहते हैं हिंदी में, फेस वैल्यू कहते हैं वास्तविक मान, ठीक है। तो समझ में आ गई। अभी मैं आपको कोई भी अगर डिजिट दूं तो आप उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको एक डिजिट देता हूँ, 9543। इसमें आप मुझे 5 का प्लेस वैल्यू बताइए जल्दी से, 500। 5 का फेस वैल्यू बताइए, 5। फेस वैल्यू हमेशा 5 रहेगा। मैं आपको दूसरा डिजिट देता हूँ, 3594। इसका 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, 3 का प्लेस वैल्यू, हाँ,
थ्री का 3000 3000 सिंपल सी बात है। और फाइव का फेस वैल्यू बताइए। फाइव का फेस वैल्यू हमेशा फाइव। समझ में आ गई बात। चलिए अब इस तरीके से आप कोई भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सीटेट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट में पूछा गया था। समझ में आ गया, सीटेट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। चलिए कर लेंगे, आइए करते हैं। तो हम यहाँ पे सीटेट का ये देखिए, सीटेट 2023 में पूछा गया था, 3 फरवरी को पेपर हुआ था। और इसमें सवाल क्या गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस। इसमें सेवन का प्लेस वैल्यू कितना है। सेवन का प्लेस वैल्यू इसमें कितना है। 7000 आपने, बहुत अच्छा। और एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, इसमें 4 का प्लेस वैल्यू कितना है। 400 और क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस स्थानीय मान के अंतर। तो इसमें डिफरेंस का मतलब अंतर, माइनस कर देंगे। बताइए कितना होगा, 0 0 0 जीरो में से 4 कैरी लेंगे, 10 10 माइनस 4 6 7 क्या आप कहते हैं 6600 आंसर है कहीं। हाँ कौन सा ऑप्शन नंबर 3 3 ये वाला हमारा सही आंसर हो गया। कोई समस्या कोई दिक्कत कर लेंगे आप। तो सीटेट का पेपर देने जाएंगे मेरे साथ। चलिए सीटेट का पेपर इस बार अच्छा एक न्यूमेरिकल से नहीं होगा बाबू, अभी बहुत करना पड़ेगा। इसको लेके आते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल देखिए, इसमें भी सेम। अच्छा ये सारे ना सीटेट के क्वेश्चन पूछे गए, आप ज़रा देखिए, मतलब बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आप। पेपर वन के तो फिक्स पैटर्न है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आप निकाल लेंगे। कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस। कह रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू बताइए। 5 का 50000 5 0 0 0 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 4 0 वेरी गुड। अब कह रहा है फेस वैल्यू ऑफ 3, तो इसमें 3 का फेस वैल्यू बताइए। 3 का कहाँ से, सर लास्ट में ना, तो 3 का फेस वैल्यू, तो 3 के बाद 1 2 3 4 जीरो रहेगा ना, तो फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू है तो क्या हुआ, फेस वैल्यू में क्या होगा, फेस वैल्यू का जो होगा मतलब वही होगा, 3 का फेस होगा। 3 का फेस वैल्यू हमेशा 3 रहेगा। हाँ। और प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जिस पे वो है प्लेस है वो होगा। तो अभी 3 का फेस वैल्यू बता पूछ रहा है, तो फेस वैल्यू हम कितना लिखें। 3 का फेस वैल्यू हमेशा 3। और क्या पूछ रहा है, डिफरेंस कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए 5 के स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान और 3 के अंकित मान, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, तो डिफरेंस निकाल देंगे। यहाँ बताइए कितना होगा, 6 7 7 9 9 9 9 9 4 4 999 देखिए कहीं ऑप्शन में दिया गया है 4 999 सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, वेरी गुड। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्या है, सीटेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। जब आप अभी कौन सी क्लास में, आप ग्रेजुएशन करेंगे इंटर करेंगे फिर सीटेट में जाएंगे, तो इस तरीके से बात करें, डरना नहीं। ओके अभी ये बेसिक है, अब ये मत समझना कि सीटेट बड़ा आसान है कर ले जाएंगे, नहीं है। अभी टफ टफ भी सवाल आएंगे आपके पास। तो ये वाला सवाल देखिए, ये 2018 में पूछा गया था, संख्या में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित। ओके 3 का ही स्थानीय मान मतलब 3 का ही प्लेस वैल्यू, तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 3 का प्लेस वैल्यू 300 और 3 का अंकित मान मतलब फेस वैल्यू 3 होगा, 3 का फेस वैल्यू 3। क्या पूछ रहा है, डिफरेंस अंतर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7 7 9 9 2 297। समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं कर लेंगे। चलिए आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखो सिंपल सी बात यह है ना कि एक सवाल आपसे, मतलब मैं जितना भी सीटेट का पेपर वन का क्वेश्चन देख रहा हूँ, एक सवाल आपसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, बहुत आसानी से आप इसको कर जाएंगे। मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है। पूछता है कई बार पूछता है बच्चों, मैं आपसे झूठ बोल के क्या करूँगा, ये सब सीटेट के क्वेश्चन हैं। अब इसको देखिए, अब यहाँ सवाल देखिए बाबू क्या कह रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ओके 7 के प्लेस वैल्यू, और कुछ नहीं दिया, तो डिफरेंस किससे करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे
इसका चलिए यहाँ पे दो बार सेवन है ना, तो प्लेस प्लेस वैल्यूज ऑफ सेवन। तो पहला सेवन का प्लेस वैल्यू क्या होगा इसमें, कहाँ नंबर क्या है, नंबर है 276। मैं लिख दूँ क्या, लिख दें 276578। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार सेवन है, दो बार, एक और दे। तो इन्हीं के प्लेस वैल्यू के डिफरेंस निकालने हैं। तो पहले सेवन का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 70। सेवन के बाद एक दो तीन, बोलिए 70,000। और दूसरे का प्लेस वैल्यू 70। तो आप इसका क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो का जीरो, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे सिक्स, 6993 0। देखिए आंसर में कहीं है 6993 0। ऑप्शन नंबर 6993 0, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो क्या सीटेट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो करेंगे अभी और न्यूमेरिकल लाएं या फिर रहने दें, समझ आ गया आपको, समझ आ गया। अभी मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा, फिर आप उसको करना है, होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप घर से करेंगे या यहीं करेंगे। चलिए, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज 2 4 इन द गिवन नंबर, इसमें दो फोर हैं, इनके प्लेस वैल्यू को आपस में क्या करना है, सम कर देना। तो चलिए नोटबुक उठा लीजिए आप, वहाँ पर कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर कर लीजिए। अभी मैं आपको कह रही हूँ द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज 3 6, यहाँ पे 3 6 है ना, इन सभी के प्लेस वैल्यू को आपस में क्या करना है, सम कर देना। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज अंडरलाइन 3 और 8 के प्लेस वैल्यू को प्लस कर देना है। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ अंडरलाइन डिजिट 9 और 4 को आपस में सम कर देना। द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडर, इसका प्लेस वैल्यू बता दीजिए कितना है, फेस वैल्यू ना, तो इसका फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू देखो ए यूनिट 10 100 1000 10000 इकाई दहाई सैकड़ा 10000 के अंक पे है, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। फेस वैल्यू हमेशा, हाँ, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू कितना होता है, फेस वैल्यू हिंदी में क्या कहते हैं, अंकित मान। तो अंकित मान भी किसी डिजिट का चाहे कहीं भी हो, 5 का अंक हमेशा अंकित मान फेस वैल्यू 5 होगा, 6 का अंकित मान हमेशा 6 होगा, तो फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, वही डिजिट होता है। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, परेशानी नहीं। चलिए, और प्लेस वैल्यू क्या होता है, बदलता रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, तो 9 और 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, 9 का प्लेस वैल्यू और 4 का प्लेस वैल्यू, 9 का 900 और 4 का प्लेस वैल्यू, सम का मतलब जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 4 900 4। हाँ, तो ऑप्शन बताइए, ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट द सम ऑफ द 3 का 3000, 8 का 80, क्या करना है, 3080 कहाँ है, ऑप्शन नंबर टी। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जल्दी बताइए आप, नेक्स्ट देखिए, ये द सम ऑफ द, इसके बताइए जल्दी प्लेस वैल्यू बताइए, पहले 1 2 3 6 हैं, तो पहले वाले 6 का 60,000, दूसरे वाले 6 का 600, तीसरे वाले 6 का 6, तो सब करेंगे तो कितना होगा, 60606, तो 60606, ये वाला सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट 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 लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर वीडियो को खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 का, ये तो कर चुके हैं क्या हम, चलिए 4 का पहला क्या होगा, 400, दूसरा प्लस फोर कितना हो जाएगा, 404। ओके, सो इस वीडियो में नहीं, अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा आपके सिलेबस से। सो आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, और इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं आपसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। सो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से इस पूरे न्यूमेरिकल को कर जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, सब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, पढ़ते रहिए। और एक क्वेश्चन तो श्योर है, अब आप क्या करिए ना, जो भी आपका सीटेट का है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे आप सॉल्व करिए, अगली क्लास में हम देखेंगे नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, और क्या आता है, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, फैक्ट, ये सब को प्राइम नंबर, ओड नंबर,
ऑड नंबर इवन नंबर तो ये तो सब हम देखेंगे. ओके सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय जय भारत. बाय बाय. सी बाय.